YouTube। गर्मियों का मौसम है और ह्यूमिडिटी काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रही है और काफ़ी स्मेल हो जाती है ड्रेसेस में। जितने भी परफ्यूम्स यूज़ कर लें, जितने भी बॉडी स्प्रे यूज़ कर लें, घंटे दो घंटे के बाद कंडीशन वही दोबारा से वैसे की वैसी हो जाती है। और शादियों का भी सीज़न आने वाला है, जहाँ हम मेकअप पे फोकस करते हैं, अच्छी ड्रेसिंग पे फोकस करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक अच्छी फ्रेग्रेंस, अच्छी स्मेल को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्या यूज़ किया जाए कि हमारे कपड़ों में भी फ्रेग्रेंस रहे और हमारे अंदर से भी फ्रेग्रेंस आए, और ऐसा हो कि हम वो ड्रेसेस को अगर हफ्ता दो हफ्ता अपने अलमारी में भी रखें तो उनमें भी वो खुशबू रहे। अब ऐसे तो परफ्यूम्स हैं नहीं मार्केट में, क्योंकि आजकल जितने भी मार्केट में परफ्यूम्स आ रहे हैं तो घंटे दो घंटे बाद उनकी फ्रेग्रेंस ख़त्म ही हो जाती है, चाहे आप जितना भी लगा लें जी। तो यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस के लिए, काफ़ी देर तक रहने वाली खुशबू के लिए हम परफ्यूम या बॉडी स्प्रे यूज़ नहीं करते हैं। हम यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ऊद बखूर की। जी हाँ, ये बखूर ही है जो कि सऊदी अरब में और दीगर अरब ममालिक में यूज़ किया जाता है, और इसके लिए बर्नर भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक भी होते हैं और इलेक्ट्रिक के बग़ैर भी होते हैं, जो कि कोयले को जलाकर उसके ऊपर जब इसको डाला जाता है बखूर को, तो इसमें से जो धुआं उठता है वही धुआं खुशबू वाला होता है। वही खुशबू जब हमारे कपड़ों में आ जाती है, हमारे बालों में आ जाती है, तो वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग होती है कि अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो सुबह से ले कर रात तक वो खुशबू वैसे की वैसी रहती है। इसके अलावा अगर वो ड्रेसेस आप अलमारी में उतार के रख भी देते हैं तब भी उनमें खुशबू वो रहती है। इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, बजाय महंगे महंगे परफ्यूम यूज़ करने के आप एक दफ़ा बखूर को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मार्केट में इलेक्ट्रिक बर्नर आए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, जिनके डिज़ाइंस मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँगी, और आप एक दफ़ा ज़रूर ये लेके ट्राई कीजिएगा। होप आपको ये आइडिया पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।